आज तो बहुत लेट हो गया यार, 12 बज गया, घर वाले बहुत डांटेंगे। अलीशा, ये वाला घर लिया है। आओ अंदर चल के देखती है। आओ आओ। ये मुझे क्या हो रहा है, चक्कर से आ रहा है। अल्लाह, मेरा सर क्यों चकरा रही है, मुझे क्या हो रही है। अलीशा, ओ अलीशा, ये क्या हुआ अलीशा तुम्हें? अरे अलीशा, ये तुम्हें क्या हुआ? बात बताना वरना तेरी अलीशा को मार दूंगी। अलीशा, ये तुम क्या कर रही हो? अलीशा, खुद को मत मारो। अलीशा, खुद को मत मारो। अलीशा, पास मत आओ, तेरी अलीशा को मार दूंगी मैं। प्लीज अलीशा को कुछ मत करना, प्लीज। उठो अलीशा, उठो अलीशा। पापा के पास लेके चलो। मिया, ये मेरी बीबी है, कल तक सही थी लेकिन आज अचानक से इसके ऊपर कोई असरात आ गया। कुछ भी करके इसको ठीक कर दीजिए आप। अभी देखता हूँ। लगता है ये साया ऐसे नहीं उतरेगा, तुम जाओ, इसके ऊपर आग का पानी डालना पड़ेगा। तुझे मार दूंगा, मार दूंगी। तू है कौन और इस लड़की के शरीर में क्यों घुसा? सामने आ मेरे। नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी। ऐसे नहीं बताएगा तू? मैं नहीं बताऊंगी। बताती हूँ। अच्छा तो तू है, तूने इस लड़की के शरीर पे कब्जा क्यों करा और कहाँ से आया है तू? क्या चाहता है बता। नहीं बताऊंगी। बता वरना तुझे जान से मार दूंगा। नहीं बताऊंगी। बता। छोड़ मुझे। बता। छोड़ मुझे, बताती हूँ मैं। रो क्यों रही है? ये बात उन दिनों की है जब मैं भी एक इंसान थी, मेरी भी एक फैमिली थी और मेरी पूरी हस्ती खेलती फैमिली किसी ने उजाड़ दी। तब बुड्ढा जिंदा है जब तक कुछ नहीं हो सकता। बुड्ढा साफ तो रास्ता साफ। अरे कहाँ गई मेरी लैला? इन लपंगों ने मेरी बेटियों का जीना आराम कर दिया। निकल गया मेरे रास्ते का काट। चल चल देखो, चल लड़को सुनो तू भाग। सर मेरी मदद करिए प्लीज।
क्या हुआ, क्यों रो रही, क्या बात है? वो दो गुंडे मेरे घर में घुस गए और उन्होंने। परेशान मत हो, अभी हम उन गुंडों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। बहुत शौक है ना हमारे खिलाफ कंप्लेन कराने का, अब देख तेरे साथ क्या होता है। बॉस मैंने रास्ते का कांटा निकाल दिया है। ठीक है बॉस, चलो। जो लिया है मैंने यही है वो कातिल जिन्होंने उस लड़के को मारा है। इसीलिए मैं इस लड़की के शरीर में घुसी हूँ और मैं इसका शरीर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिल जाता।